In connection with the circuit drawn below, the value of current flowing through 2 किलो ओम रजिस्टर इज. तो देखो ये वाले सर्किट को आप लोग, मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ. क्या है देखो, ये यहाँ पर हमारे पास एक जीनर डायोड है, राइट. बाद में यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, ये हो गया बैटरी. एंड बाद में इधर एक आपके पास रजिस्टर है, इसका वैल्यू है 2 किलो ओम, इसका वैल्यू है 1 किलो ओम. यहाँ पे 5 वोल्ट वोल्टेज है, यहाँ पर 10 वोल्ट. अभी देखो हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट होगा. मतलब ये 2 किलो ओम में से जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बाय आर. तो वी है 5, ये है 2 किलो, मतलब 5/2 कितना, 2.5 मिली एम्पियर, राइट. अभी अगर मैं यहाँ पर केवीएल अप्लाई करता हूँ, देखो तो ये 10 वोल्ट है, उसमें से 5 यहाँ पे चला गया, तो बचा हुआ 5 इसके अक्रॉस जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट. मतलब यहाँ से करंट कितना जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, मतलब ये 5 मिली एम्पियर होगा. तो यहाँ पे इस जंक्शन पे देखो आ कितना आ रहा है, 5, गया कितना, 2.5, तो बचा कितना, 2.5 मिली एम्पियर जीनर में से जाएगा. क्वेश्चन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो. अच्छा 2 किलो ओम रजिस्टर, ये तो डायरेक्टली मिला, मुझे लगा जीनर में से पूछा है. तो 2 किलो ओम में से कितना करंट जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर. मतलब क्या आएगा ये, 2.5 × 10⁻³ एम्पियर. मतलब ये आएगा 25 × 10⁻⁴ एम्पियर. तो इसका आंसर है 25.